एक ऐसा गांव जहां हर किसी के पास अपना हवाई जहाज है। यहां लोग ऑफिस या शॉपिंग जाने के लिए गाड़ी बाइक की जगह एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। यह अनोखा गांव कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जहाँ की सड़कें काफी चौड़ी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की सड़कें हवाई अड्डे के रनवे से भी ज्यादा चौड़ी है। और दोस्तों, सड़कों को चौड़ी बनाने का कारण यही है कि जहाज को पास के हवाई अड्डे पर आसानी से लाया जा सके। अरे, कैलिफोर्निया में स्थित इस गांव का नाम कैमरन एयर पार्क है। और जानते हैं कि इस गांव में हर घर के बाहर आपको हवाई जहाज खड़े ही दिखाई देंगे। और गैराज की जगह पर यहां पर हैंगर बने हुए हैं। और खास बात तो यह है कि इस गांव में ज्यादातर लोग पायलट ही है, जिस वजह से यहां लोगों का हवाई जहाज रखना आम बात है। साथ ही इस गांव में डॉक्टर, वकील और दूसरे लोग भी रहते हैं, लेकिन यहां हर कोई एरोप्लेन रखना चाहते हैं। और इस गांव के लोगों को हवाई जहाज काफी पसंद है। यहां रहने वाले हर इंसान शनिवार सुबह इकट्ठा होते हैं और एक साथ लोकल एयरपोर्ट तक आना जाना करते हैं। और इस गांव में लोगों के पास कार की तरह हवाई जहाज भी है। लोगों के घरों के सामने हैंगर भी बने हुए हैं, जिसमें वह अपना विमान रखते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यह हैंगर क्या होता है, तो बता दें कि विमान रखने वाली जगह को हैंगर कहते हैं। और इस अनोखे शहर के बारे में जिसे भी पता चलता है वह हैरान का हैरान रह जाता है। और दोस्तों, हवाई जहाज के पंखों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सड़कों के बोर्डिंग और लेटर को कम ऊंचाई पर लगाया गया है। और दोस्तों, इस गांव में मौजूद हर एक सड़कों का नाम भी विमान के नाम पर ही है, जैसे कि सड़क का नाम बोइंग रोड है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यहां हर घर में हवाई जहाज होने का कारण यह है कि यहां रहने वाले ज्यादातर लोग रिटायर्ड मिलिट्री पायलट है। और अमेरिका में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हवाई पायलटों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था और पायलटों की संख्या 4 लाख हो गई। और युद्ध के दौरान बहुत सारे एयरफील्ड भी बनाए गए थे। और दोस्तों, युद्ध के बाद इन्हें बंद भी नहीं किया है और रेसिडेंशियल और पार्क बना दिया गया। और अमेरिका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रिटायर पायलट को यहां बसाने का फैसला किया और ऐसा ही रेसिडेंशियल और पार्क कैलिफोर्निया में कैमरून एयर पार्क के नाम से भी बसाया गया है। और एडमिशन से जुड़े होने के कारण यहां रहने वाले लगभग हर नागरिक हवाई जहाज को लेकर दीवाने हैं। और हाँ, अमेरिका में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं और यहां के 14,712 हवाई अड्डों से लाखों में लोग यात्रा भी करते हैं। और अमेरिका में 102 एयरपोर्ट है और अंतरराष्ट्रीय सुविधा प्रदान करते हैं। और अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हर साल 107 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालता है। बता दे कि अमेरिका सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। और यही कारण है कि अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर भी कहा जाता है। और अमेरिका में 14,712 एयरपोर्ट भी है, जिसमें हर साल लाखों लोग यात्रा करते हैं। इसमें से 102 अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान भी करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय के आंकड़ों में कई अमेरिकी हवाई अड्डे नियमित रूप से दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक दिखाई देते हैं।